आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बीते दो सालों में जिला अस्पताल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां एक ओर जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस और सिटी स्कैन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, तो वहीं अब हृदयघात जैसी बीमारी के मरीजों के लिए अब CCU वार्ड भी बनाया गया है। साथ ही गर्मी के सीजन को देखते हुए जिला अस्पताल में मरीजों के लिए गंगा जल और RO वाटर प्लांट की भी व्यवस्था की गई है। अगर बात करें बीते दो सालों की जिला अस्पताल को लेकर, तो अगर बात करें तो आए दिन जो जिला अस्पताल है सुर्खियों में बना रहता था, ज़्यादातर शिकायतें आए दिन अखबारों की सुर्खियों में होती थी। लेकिन अगर बात करें बीते दो सालों की और कोविड संकट के बीच हुए कामकाजों की, तो आज की डेट में जिला अस्पताल को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इस हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सतीश वर्मा, जो कि CMS है जिला अस्पताल। आइए उनसे जानते कि जो दो साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा और क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। हाँ नहीं, मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले दो साल में हमारी पूरी टीम जिला अस्पताल की ने काम किया, जिसमें शासन प्रशासन का सहयोग अप्रत्याशित रूप से मिला है, विशेषकर DM साहब का भी और कमिश्नर साहब का भी, और कई प्रमुख सचिव साहब के दौरे हुए हैं, तो उनके जो भी दिशा निर्देश थे उसी के अनुरूप सबसे पहला काम हुआ ई हॉस्पिटल में OPD काउंटर का। उसके बाद CCU भी क्रियाशील हो गई है, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। और फिर कोरोना आ गया था विगत वर्ष में, तो उसके तहत बहुत सारा काम जिला अस्पताल में हुआ, पूरा सैंपलिंग हुआ, उसका अलग से व्यवस्था भी की गई। DM साहब के निर्देश पे कोविड वार्ड भी बन के लगभग तैयार हो गया है। इसी बीच में पेयजल की जो समस्या थी वो पूरी तरह से दूर कर ली गई है। अब गंगा जल का कनेक्शन भी जिला अस्पताल में उपलब्ध है। डायलिसिस यूनिट सुचारू रूप से काम कर रही है, उसकी पानी की व्यवस्था अलग से कर दी गई है। और जहाँ तक नए OPD ब्लॉक का सवाल है, तो उसमें NOC फायर की NOC मिलना अभी बाकी है। उनकी जो बात थी कि 1,00,000 लीटर का एक रिजर्वर बनवाने की बात थी, तो तैयार हो गया है, वो काम कर भी रहा है। सर, अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, अब चूंकि तीसरा चरण शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ रहने वाली, क्योंकि अब जो वैक्सीन है वो आम जनता तक पहुँचने वाली है, 50 साल से अधिक के उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। हाँ, ये तृतीय चरण शासन के दिशा निर्देश पे जल्दी से उसकी गाइडलाइन जारी होगी, और DM साहब इसमें वक्तव्य दे भी चुके हैं। उसमें 50 साल से ऊपर और गंभीर जो रोगी हैं उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन चल रहा था, एक मॉप अप राउंड और होना बाकी है। सर, मीडिया में एक चीज़ और सुर्खियों में रही कि जिला अस्पताल आज की डेट में एक मॉडल बन चुका है आगरा का जिला अस्पताल। ऐसे में दावा किया जाता है कि 1 रुपये के पर्चे पर मरीज को संभवतः हर संभव इलाज दिया जाएगा, चाहे उसमें आप CT स्कैन शामिल हो, चाहे उसमें डायलिसिस शामिल हो, क्या ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम जिला अस्पताल में सारी सेवाएँ निःशुल्क हैं, केवल 1 रुपये के पर्चे पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसमें CT स्कैन भी हो जाता है, एक्सरे भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, डायलिसिस यूनिट टोटली फ्री है। अब तो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो कार्डियक सेवाएं भी जल्दी से शुरू होने वाली हैं। पहले देखा जाता था कि जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इमरजेंसी होती थी तो SN मेडिकल लेके जाते थे, लेकिन वहाँ पे भी सुविधाओं का अभाव नज़र आता है, तो मोस्टली क्या है, ऐसे मरीजों को बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में रेफर करना पड़ता था। अगर बात करें ये CCU बन जाने के बाद हार्ट के पेशेंट को कितना रिलीफ मिलेगा? निश्चित रूप से ये हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी भी है, उनको लाभ जिला अस्पताल में पूरी तरह से मिलेगा। हालांकि प्रिंसिपल काला साहब अपने संस्थान में भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी कार्डियोलॉजी यूनिट शुरू हो जाए। सर, अगर बात करें कार्डियोलॉजी यूनिट शुरू होने के बाद यहाँ जो जाँचें होंगी वो कौन कौन सी, यहाँ जाँचें निःशुल्क हो पाएंगी और कौन कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ दी जाएंगी? सारी जाँचें निःशुल्क होंगी, उसमें ECG भी होगा, इकोकार्डियोग्राफी भी होगी, उसका कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी होगा। सारी सेवाएं जो कार्डियोलॉजी से संबंधित है, वो सारी जांच जो हमारे पास उपलब्ध है वो पूरी की जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर सतीश वर्मा, जिन्होंने बताया कि दो साल के भीतर जो जिला अस्पताल का कायाकल्प जो हुआ है उसमें शासन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, खासकर जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा सहयोग इनको मिला है, कमिश्नर साहब का सहयोग मिला है, जिसके चलते जिला अस्पताल में डायलिसिस के साथ साथ अब जो दूसरी सफलता है वो जो है CCU जो वार्ड बनाया जा रहा है, जहाँ पर हृदय रोगियों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, साथ ही उनकी जाँचें भी निःशुल्क की जाएंगी। अपने साथी कैमरा पर्सन राजीव के साथ अनिल कुमार सिंह, CNews आगरा।